विशेष पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था के लिए अगर नीतियां बनाना सरकार का काम है तो उसे जमीन पर लागू करना पुलिस का। अमूमन पुलिस की मुस्तैदी में जनता खुद को महफूज महसूस करती है, लेकिन शायद उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपराधिक मामलों में पुलिस वालों की बढ़ती भूमिका ने न केवल कानून व्यवस्था के मोर्चे पर गंभीर सवाल खड़े किए, बल्कि ये भी सोचने पर बाध्य कर दिया है कि जिस राज्य के पुलिस वालों का रवैया ऐसा हो, उस राज्य में भला हिफाजत की उम्मीद कोई करे तो कैसे करे। आज की चर्चा में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर गुनाहों को रोकने की जिम्मेदारी उठाने और इसके लिए खाकी पहनते वक्त कस्में खाने वाले राह क्यों भटक रहे हैं। तो जिसके भरोसे आप महफूज रहने की उम्मीद पालें, अगर वही आपके साथ दुश्मनों जैसा सलूक करने लगे तो यकीनन आपके भरोसे को मुगालता ही कहा जाएगा। कुछ इसी मुगालते में जी रहे उत्तर प्रदेश के लोग। जिस पुलिस तंत्र को जनता का रक्षक कहा जाता है, उसी पुलिस तंत्र में जरायम की बुनियाद भी छुपी है, जो वक्त के वक्त जनता के मन में खौफ पैदा कर देती है कि आखिर महफूज रहने का भरोसा पालें भी तो किस भरोसे पालें और कैसे पालें। हैरानी की बात यह है कि ऐसी वारदातों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिनमें या तो पुलिस वाले सीधे तौर पर शामिल हैं या फिर उसमें पुलिस वालों की मिली भगत है। इस रिपोर्ट को समझने की कोशिश करिए ताकि उत्तर प्रदेश की जो असली हकीकत है बिहाइंड द सीन्स ये आपको पता लगे। वारदात दर वारदात खाकी पर लग रहे हैं दाग। कैसे सुधरेगी कानून व्यवस्था? उत्तर प्रदेश में मौजूदा वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कैसे सुधरेगी कानून व्यवस्था। एक ऐसे प्रदेश में जहां पुलिस वाले ही अपराधियों जैसा सलूक कर रहे हैं तो सवाल उठने लाजमी है कि आखिर किसके भरोसे अवाम अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपे। वारदात दर वारदात पुलिस वालों के शामिल होने के सिलसिले और मामले दर्ज करने में पुलिसिया लापरवाही पर एक बार फिर सरकार ने संजीदगी दिखाने का दावा करते हुए कई ऐलान किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्देश दिए हैं कि शांति व्यवस्था को हर हालत में सुदृढ़ करना है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर स्तर के अधिकारी का दायित्व निर्धारित करना है और जो कोई भी इस दायित्व को नहीं निभा करता है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हालात असल में है क्या, जरा सिलसिलेवार वारदातों की फेहरिस्त पर नजर डाल लीजिए। बदायूं में दो बहनों के साथ हुए वहशियाना गैंगरेप और हत्या के मामले में दो पुलिस वाले भी आरोपी हैं, जिन्हें फिलहाल बर्खास्त कर दिया गया है। इलाहाबाद में एक इंस्पेक्टर समेत 13 पुलिस वालों पर रेप का मामला दर्ज हुआ है। जमीनी विवाद में दबिश डालने पहुंची पुलिस टीम पर आरोप है कि पुलिस वालों ने दबिश के बहाने एक महिला से गैंगरेप किया। इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। गाजियाबाद पुलिस पर हत्या के मामले में 3 आरोपी सगे भाइयों को बचाने का आरोप लगा है। आरोप है कि पुलिस जानबूझकर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही, जबकि कोर्ट से भी इनके खिलाफ वारंट जारी हो चुका है। बुलंदशहर के खुर्जा में पुलिस वालों के रवैये के चलते एक कैदी की जान पर बनाई। शकील नाम के बदमाश को पुलिस ने हफ्ते भर पहले गिरफ्तार किया था, लेकिन चालान नहीं किया, जिसके बाद शकील ने खुदकुशी की कोशिश की। इतना ही नहीं, पुलिस वालों के रवैये को लेकर सवाल भी कम नहीं है। अक्सर ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि पुलिस वाले किसी आपराधिक मामले में रसूख देखकर कार्रवाई करते हैं, वरना केस तक दर्ज नहीं होता। जरा इसकी भी फहरिस्त पर गौर करिए। इलाहाबाद में अस्पताल में हुए रेप के मामले में पीड़ित ने पुलिस वालों पर धमकी देने और केस दर्ज करने में आनाकानी करने का आरोप लगाया है। लखीमपुर खीरी, बीजेपी नेता के भतीजे की पीट पीट कर हत्या के मामले में पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। आरोप है कि पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर वक्त रहते कार्रवाई नहीं की। महोबा में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में पीड़ित के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आरोप है कि पुलिस आरोपियों को पकड़ने की बजाय उन्हें बचाने की कोशिश में लगी है। ये तो महज उदाहरण है, मामलों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि गिनाने बैठे तो वक्त कम पड़ जाए। उत्तराखंड के देहरादून में रणवीर एनकाउंटर केस में फैसला आ चुका है, जिसमें एक बेकसूर नौजवान को सिर्फ वर्दी की हनक दिखाने के लिए बेरहमी से मार दिया गया। यानी पुलिस तंत्र को लेकर सवाल कई हैं और जवाब कहीं नहीं मिलता। कानून व्यवस्था की बेहतरी के लिए सरकारें दावे तो हजार करती हैं, लेकिन कोई सरकार
सिस्टम में छिपे भेड़ियों की पहचान नहीं कर पाती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बेहद ही गंभीर मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है। इस पर चर्चा करने के लिए जो पैनल हमारे पास आज मौजूद है, दरअसल हम चर्चा नहीं करेंगे, हम समझने की कोशिश भी करेंगे, एक पॉजिटिव निष्कर्ष भी निकालने की कोशिश करेंगे। पैनल हमारे पास मौजूद है, मेरे साथ नोएडा स्टूडियो में उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रमुख सचिव एस के वर्मा साहब हैं, और इसके साथ लखनऊ स्टूडियो से मेरे साथ पूर्व डीजीपी एमसी द्विवेदी साहब हैं। आप दोनों सम्मानित अतिथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल, चूंकि ये मामला प्रदेश का है, तो सबसे पहले मैं राजधानी चलती हूं। एमसी द्विवेदी साहब, हमने अभी तक जो फिल्में बनती हैं, कहीं ना कहीं वो रियलिटीज का आईना होता है, उसमें भी दिखाया जाता है कि पुलिस की मिलीभगत होती है, जिसके कारण जो सही रास्ते पर चल रहा है उसको हटाने के लिए शूट कर दिया जाता है। वहीं फिल्मों में यह भी दिखाया जाता है कि किस तरीके से पुलिस की इन्वॉल्वमेंट रहती है, जो कानून के रक्षक के तौर पर शपथ लेते हैं। क्या आपको लगता है कि वो सिर्फ फिल्म की बातें हैं, क्योंकि दरअसल उत्तर प्रदेश में इस तरीके के जो मामले सामने निकल कर आया उसमें तो ये रियलिटी थी? यद्यपि फिल्म वाली कहानियां होती हैं, लेकिन वो बहुत कुछ सामाजिक वास्तविकता से जुड़ी हुई होती है, और उनमें बहुतों में सही बात भी प्रदर्शित की जाती है। जो इस तरह का व्यवहार है, ये कोई बहुत अनयूजल या असंभव नहीं है, ऐसा होता है। देखिए, जहां तक ये देखें कि जब नियत शासन की जब तक साफ नहीं होगी, तब तक पुलिस सुधर नहीं सकती है। पिछले 20 वर्ष में इसी पार्टी की सरकार में कितने बार ये आरोप लगे कि हजारह सिपाही पैसा लेके भर्ती किया गया और जाति विशेष का भर्ती किया गया। तो ऐसे जब सिपाही और दरोगा भर्ती होगी, तो बाद में उनसे अपेक्षा करना कि वो बहुत अच्छा कंडक्ट करेंगे पब्लिक में जाके, ये अपेक्षा करना गलत है। जैसे अभी जबकि बदायूं रेप कांड हुआ, तो उसके बाद अमर उजाला ने 9 एसओ इंचार्ज का नाम निकाला था, तो 9 में 6 के आगे यादव लिखा हुआ था। अच्छा, ये प्रतिशत हमारी फोर्स के प्रतिशत के हिसाब से या किस हिसाब से सही नहीं लगता। तो जब शासन की नीयत सही नहीं होगी, तो ऐसे कांड अवश्य होते रहेंगे। क्या एस के वर्मा साहब, आपने डीएम कमिश्नर, आप अलीगढ़ में भी रहे, मुरादाबाद में भी रहे, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप इस बात से सहमत हैं कि जो आपका फोकस है वो डिफ्यूज तब होता है जब पुलिस प्रक्रिया में सियासी इंटरफेरेंस रहता है या फिर भाई भतीजावाद क्षेत्रवाद ज्यादा चल रहा है? बिल्कुल सही है निहारिका, मैं इस बात से बिल्कुल आपकी सहमत हूं कि पुलिस का पोलिटिसाइजेशन हुआ है। अच्छा। और पुलिस में मैंने देखा है कि बिल्कुल एसओ की नियुक्ति से लेके और इंक्लूडिंग एसएसपी तक की नियुक्ति में ये देखा गया है कि राजनेताओं का हस्तक्षेप रहता अच्छा, है। अच्छा, आप लोग नहीं बोलते इसके खिलाफ? बात उसकी नहीं है, बात है पुलिस प्रशासन की। हाँ। के प्रमुख सचिव गृह है वहां पर। हाँ। डीजीपी साहब हैं कि उनको इस बारे में रजिस्टर करना चाहिए, और डीएम के रूप में अनुमोदन हम लोग देते थे एसओ की पोस्टिंग का, लेकिन ये महसूस होता था कि एसओ की पोस्टिंग भी बहुत निष्पक्षता के या उसके कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होती थी, वो भी कहीं ना कहीं से राजनीतिक प्रेशर जरूर रहता था। इनके साथ साथ मेरा अपना ये मानना है कि हमारे यूपी पुलिस, पर्टिकुलरली यूपी पुलिस में एटीट्यूडनल एंड बिहेवियरल चेंज का कहीं ना कहीं कोई कमी है, चाहे वो ट्रेनिंग के पार्ट में है या व्यवहारिकता में है। अच्छा। कि मैं ये देखता हूं कि जो लैंग्वेज है, जो 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 मतलब शो ऑफ फोर्स है, उसको करने का पुलिस का जो तरीका है वो बहुत अच्छा नहीं है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स। तो कहीं ना कहीं हमारे ट्रेनिंग पार्ट को सुधारने की आवश्यकता है कि ट्रेनिंग में हम एटीट्यूडनल बिहेवियरल चेंज तो लाएं ही लाएं, और अपनी पूरी दकियानूसी जो सोच है पुरानी कि पुलिस डंडे के बल पर या उसके बल पर या अपनी वर्दी के बल पर और हनक के बल पर कुछ भी कर ले जाएगी, उसको हटाने की जरूरत है। यही आपका कहना है कि पुलिस को सबसे पहले सिविल फ्रेंड बनना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आप ट्रेनिंग और मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं वर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी हमने देखा कि कानपुर में इतना बड़ा सेंटर का उद्घाटन करा, पुलिस लाइन सेंटर होते हैं, कॉल सेंटर बनाया जाता है, तमाम हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाते हैं, दिखाया जाता है कि यूपी पुलिस बहुत फ्रेंडली पुलिस है, बहुत स्मार्ट पुलिस है। इन सब दावों की पोल क्यों खुल जाती है? मायावती शासनकाल रहा अखिलेश? मैं केवल इसलिए आपसे निहारिका जी कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं कमी है ट्रेनिंग के पार्ट में भी। कितना करोड़ों भाई जाता है?
पुलिस का साइज बहुत बड़ा है। उत्तर अच्छा। प्रदेश की पुलिस का साइज अन्य स्टेट्स के कंपैरिजन में बहुत बड़ा साइज है और उसकी ट्रेनिंग की जो व्यवस्था है, ट्रेनिंग का जो पार्ट है, वो उतना हमारा साइंटिफिक नहीं है। अच्छा। मेरा अपना ये मानना है कि जो मतलब टेक्नोलॉजी को और ज्यादा इम्प्रूव करने की आवश्यकता है पुलिसिंग में, साथ ही साथ जो हमारे ऊपर प्रेशर लॉ एंड ऑर्डर की जगह हमारे वो जो राजनेताओं को के साथ चलने का या उनकी रैली कराने का हाँ। या दंगा रोकने का जो प्रेशर रहता है उसके लिए हमें अलग पुलिसिंग की आवश्यकता, मतलब पुलिस जो इन्वेस्टिगेट करे उसकी अलग विंग होनी चाहिए और पुलिस जो केवल हमारी लॉ एंड ऑर्डर या उसके लिए है जिसके लिए हमने पीएससी की स्थापना की थी उसी को और ज्यादा सुदृढ़ करके इनको दोषों में बांटने की शायद मेरी सोच है कि आवश्यकता है। क्लासिफिकेशन बाइफर्केशन पर विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए ताकि बेहतर पारदर्शिता। एमसी द्विवेदी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके के केसेज उत्तर प्रदेश में सामने आए, खाकी के दागे, एक रिपोर्ट में हमने दिखाया कि कहां कहां पुलिस को सियासी संरक्षण मिला रहता है, कहां क्षेत्रवाद जातिवाद रहता है, क्या ये सब जो हो रहा है पुलिस की जो मिली भगत होती है और पुलिस केसेस को दबाने में ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश करती है, इसका बड़ा कारण आप किसे मानते हैं? क्या ऐसे मानते हैं कि डर है कि बात नहीं मानी किसी रसूखदार की तो ट्रांसफर की चिट्ठी आ जाएगी, फोन आ जाएगा, या फिर बाकी पुलिस वाले जीने नहीं देंगे अगर एक ईमानदार 1 out of 20 आ गया? बहुत कुछ तो पुलिस खुद पोलिटिसाइज हो गई है, मतलब पोलिटिकल पार्टीज में बट गई है। ये दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे शासन ने या हमारी जो रिक्रूटमेंट की व्यवस्था है या जो नियम है कि हम इतने जाति के, इस जाति के इतने लोग लें, इस जाति के इतने लोग लें, तो इन सब कारणों से पुलिस खुद पोलिटिसाइज हो गई है और पर्टिकुलर जाति के लोग पर्टिकुलर पार्टी के साथ हो गए हैं। वर्तमान में मैं तो चूंकि गांव में रहता हूं, जाता हूं, लोग कहते हैं कि अगर आप जाति विशेष के हैं तब तो आपका के साथ कोई अपराध हुआ तो लिखा जाएगा केस और नहीं तो आपको भगा दिया जाएगा। ये जनरल इम्प्रेशन है, पब्लिक का जनरल इम्प्रेशन कहती है तो ये। और थानों में भी देखिए आप, परसेंटेज निकालिए कि एक जाति विशेष के लोग क्यों इतने ज्यादा थानों पर इसी वक्त मौजूद है। मायावती जी के वक्त में दूसरी जाति विशेष के लोग इंचार्ज हुआ करते थे, तो ये बात जो हेड वही बनते हैं इसका मतलब है कि खुद शासन उन्हें पोलिटिसाइज कर रहा है और वो चाहता है कि सही काम होने के बजाय पक्षपात के ढंग से काम हो। और पक्षपात अब ये है कि जो अधिकारी हैं, जो एसपी हैं, डीजी हैं, वो रजिस्टर नहीं करते, ये बात सही है कि वो उस चीज को शासन को रजिस्टर नहीं करते इसलिए नहीं है कि वो जानते हैं कि वो हटा के उनसे वीक दूसरा कोई पोस्ट कर दिया जाएगा वो और ज्यादा शासन की गलत बात को मानेगा। अच्छा, एमसी द्विवेदी जी, मैं एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट भी इसका जानना चाहूंगी। जिस तरीके से ऐसे मामले बढ़ रहे हैं उसमें पुलिस की लापरवाही है, मिली भगत है, तो लापरवाही क्या इस कारण से तो नहीं है कि वो सोच के बैठे हैं कि भाई किसी के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, फोन आ जाएगा तो फिर हमारा कार्रवाई करना बेकार रह जाएगा। वही दूसरी तरफ एक मनोवैज्ञानिक स्थिति ये भी है कि उनको जिस तरीके से वो मेहनत करे उसके हिसाब से कम मिल रहा है, तो इसीलिए मिली भगत करना, सियासी संरक्षण अपने ऊपर लेना तो उनको एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी देता है। देखिए, जहां तक अगर आप सैलरी की बात करें तो अब सैलरी किसी की कोई ज्यादा कम नहीं है, मतलब अगर आदमी इंडियन स्टैंडर्ड से सोचे तो सैलरी हर कर्मचारी की ठीक है, मतलब इसको बहुत कम नहीं कहा जा सकता भारत के स्टैंडर्ड से। तो सैलरी तो कातों से केवल बहाना है अगर है कोई भी, लेकिन ये अवश्य है कि बहुत से जो अच्छे कर्मचारी हैं, सद विचार वाले और सही काम करना चाहते हैं, वो इस प्रेशर में जरूर रहते हैं कि अगर हम सही काम करेंगे तो पता नहीं कि हमको प्रोटेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम ऊंचा अधिकारी अथवा ऊंचा नेता हमारे निर्णय को उलट देगा, हमको दंड दिलवा देगा, ये उनके मन में ये भय रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो देख ही लिया गया है। बदायूं के एसएसपी जो सस्पेंड हुए हैं वो कह रहे हैं कि भाई बलात्कार हुआ है, वहां पर लखनऊ में जाकर डीजीपी साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई ऐसा लग नहीं रहा है कि बलात्कार, अलग अलग बातें हैं। और जो सही बोले या तो उसको सस्पेंड कर दो या उसका ट्रांसफर ऑर्डर कर दो या फिर उसको हटा दो, उसको लाइन हाजिर कर दो, बहुत सारे केसेस में ऐसी भी चीज है। लेकिन कहीं कहीं हम ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा पुलिस सिस्टम खराब है, हम ये भी कह सकते हैं कि 1 out of 20 कि कुछ ऐसे हैं और वो
कुछ इस तरीके की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं जिससे पूरा पुलिस कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। बहुत ईमानदार भी है, मेहनती भी है, लेकिन वो जो कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ जाती है उस सिस्टम पर किस तरीके से सवाल उठाया जाए, कैसे एक वॉचडॉग दिखाया जाए। खाकी के दाग, ये हमारी विशेष पेशकश जारी है और इसमें हम कुछ ऐसे गंभीर मसलों पर बात कर रहे हैं। क्यों खाकी पर दाग लग रहा है? वो खाकी जो सिविल सोसाइटी के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो रक्षक बनकर आए हैं, लेकिन आपराधिक गतिविधियों में समय के साथ साथ क्या कल्चर हो रहा है कि वो भी शामिल हो जाते हैं। कहीं कहीं दबाव भी रहता है, कहीं ईमानदारी भी रहती है, लेकिन कहीं कहीं वो डिफ्यूज हो रही है। क्योंकि अगर हम पुलिस की बात करें तो राजनेता उन्हें अपने बॉडीगार्ड की तरह आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सारे कामों में सियासी संरक्षण उन्हें मिल रहा है, और जो ईमानदार अधिकारी है वो नहीं करता है, उसका ट्रांसफर हो जाता है, उसको तबादले का चांटा लग जाता है। लेकिन इन सबके बीच में क्या होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, निश्चित तौर पर यूपी पुलिस इस तरीके की पहले नहीं थी। एक एक सरकार आती है ना, वो सरकार अपनी बिरादरी को प्रमोट कर देती है, दूसरी सरकार आती है वो अपने क्षेत्रवाद को प्रमोट करती है, तो ऐसे में यूपी पुलिस जाएगी कहां? पुलिस नाम ही क्यों है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रमुख सचिव एस के वर्मा साहब और पूर्व डीजीपी एमसी द्विवेदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एमसी द्विवेदी जी, अब जिस तरीके से आप बोले कि भर्ती घोटाला होता है उसमें क्षेत्रवाद जातिवाद को बढ़ावा मिलता है, मेरिट कहीं कहीं बैकसीट लेती है, तो इन चीजों को नियंत्रण रखने के लिए क्या एक मजबूत सरकार होनी चाहिए या फिर एक ऐसा वॉचडॉग हो जो सबके ऊपर हो, जो निगरानी रखे और ऑटोनॉमस बॉडी हो, ताकि पुलिस तो हमें ठीक से मिले, जो हमारा हक है वो तो हमें मिल जाए। देखिए, कोई नई ऑटोनॉमस बॉडी कोई नया काम कर देगी ऐसी कोई आशा नहीं करनी चाहिए। पिछली जो अभी गत बसपा सरकार है उसमें भी पुलिस का रिक्रूटमेंट हुआ 15,000-20,000 सिपाहियों का, और उसमें एक भी सिपाही के मामले में एक पैसा नहीं लिया गया था, ये पूरा प्रदेश जानता है। लेकिन नियत की बात है शासन की, उस वक्त उन्होंने जो भर्ती बोर्ड बनाया उसको पूर्ण अधिकार दे दिए कि आप जो चाहें सो करें, हम बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। जबकि इसके पहले जो सपा सरकारें आती रही कई बार, तो उसमें एक एक लिस्ट, जब जिन लोगों फॉर्म भी नहीं जो भरते थे, अप्लाई भी नहीं करते थे, उनकी लिस्ट चली जाती भर्ती कीजिए, और भर्ती किए गए लोग सब जानते हैं प्रदेश में, जिन्होंने फॉर्म भी नहीं भरा सिपाही की भर्ती के लिए वो भी भर्ती हो गए। तो अगर इस तरह की नियत शासन की रहेगी तो कोई कितने वॉचडॉग बनाइए वो काम नहीं आएंगे। शासन को ये सोचना है कि क्या हमें प्रदेश को और अपने शासन को सुचारू रूप से चलाना है या नहीं चलाना है। अगर चलाना है तो भर्ती की प्रक्रिया को, ट्रांसफर की प्रक्रिया को पुलिस अधिकारियों पर छोड़ना पड़ेगा, ये उनका काम है कि वो उनसे काम लेते हैं, और अगर सब कुछ शासन ही करने लगेगा तो फिर सारी जिम्मेदारी भी उस बात के लिए। दूसरी बात देखिए, कुछ सपा सरकार ने ही कुछ वर्ष पहले सब सिपाहियों को कह दिया कि अपने जनपद में पोस्ट हो सकते हैं। अब कौन नहीं जानता है कि जनपद में पोस्ट हुआ सिपाही अपने घर भाग जाता है, अपने गश्त लिखाया और घर भाग गया, दूसरे जाके वहां गड़बड़ी करता है, उल्टा सीधा हरकत करता है। अब उसी निर्णय को स्वयं उलट रहे हैं आज, तो ये बात पहले नहीं सोच सकते थे? अगर पहले पुलिस अधिकारियों से ये पूछा होता तो निर्णय गलत लिया ही नहीं जाता। नहीं, लेकिन अभी भी कोई भी फजीहत होती है ना तो सरकार ये तर्क दे देती है। अखिलेश यादव तो चुप रहते हैं, वो अगले दिन बयान देते हैं, लेकिन उनके परिवार के लोग यही कह देते हैं कि अधिकारियों ने गुमराह करा। मुझे लग रहा है आप मेरी बात से सहमत होंगे, लेकिन एमसी द्विवेदी जी, भारत में एक आइडियल सिचुएशन, क्या आप एग्जाम्पल दे सकते हैं किसी एक राज्य में जहां पर पुलिस सिस्टम में जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता, उसमें मेरिट को कंसिडर किया गया हो, या जहां पर पुलिस सिस्टम इतना टाइट है ना कि जनता बहुत खुश है, पुलिस उसका फ्रेंड बना हुआ है? जहां तक भर्ती की प्रक्रिया, तो मैंने बता दिया कि गत बसपा सरकार में जो भर्ती हुई थी उसमें एक पैसा नहीं लिया गया, ये पूरे प्रदेश नहीं, नहीं, मैं भारत की बात कर रही हूँ सर। भारत में आपको कोई ऐसा राज्य लगता है जो इस मामले में बहुत अच्छा है? अच्छा,
देखिए तुलनात्मक रूप में अगर कहा जाए तो साउथ की पुलिसिंग जो है हमारे से बेटर है। अच्छा, लेकिन वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर भी डिफरेंट टाइप की है। अच्छा, वहाँ एटीट्यूड भी लोगों का डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, इनकी पुलिसिंग हमारे से, नॉर्थ की पुलिसिंग से बहुत बेटर है, ये कहा जा सकता है। ठीक है, एसके वर्मा जी, आइडियल ऐसे कह देना ये बड़ा कठिन का। ठीक है, एसके वर्मा जी, बहुत संक्षेप में कार्यक्रम अपना अंतिम पड़ाव में मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस लेगेसी आपको भी तो लगता होगा ये वो लेगेसी नहीं है जो हम छोड़ के गए। अब बिल्कुल लगता है, मैं द्विवेदी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस दिन पे दिन बढ़े हैं, पिछले 10-15 साल में हमने भी महसूस किया है, और पुलिस में पर्टिकुलरली उनका इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हुआ है, और पुलिस को एक तरीके से मतलब पॉलिटिकल आदमी पुलिस को यूज कर रहा है। सरकारें कोई भी हो, मैं किसी भी जाति पे नहीं जाऊंगा, किसी हल, सर हल हल केवल इसमें इतना है कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पुलिस। द्विवेदी जी मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बॉडी बनानी होगी जो कि पुलिस को डायरेक्ट कर सके और उसकी अकाउंटेबिलिटी को महसूस कर सके, साथ ही अपनी जो हमारी टेक्निकल इनपुट्स है और जो साइंटिफिक इनपुट है वो पुलिस में बढ़ाना होगा, ट्रेनिंग को और इम्प्रूव करना होगा, बिहेवियरल एंड एटीट्यूडनल चेंज को इसमें शामिल करना होगा। फ्रेंडली पुलिस की हम जो परिकल्पना करते हैं, जो कि हमको महाराष्ट्र, गुजरात और इवन दिल्ली तक में देखने को मिलती है, वो यूपी में भी लाना होगा। बिल्कुल। और जाति और ये जो हमारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिन्होंने के पिछले कुछ दिनों से ऐसा लगा है कि पुलिस में एक अलग प्रकार का एक जाल फैला दिया, उसको दूर करना होगा, लेकिन वो धीरे धीरे करके होगा। ठीक, लेकिन इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, और मेरा अपना ही मानना है कि यूपी पुलिस अपने स्वर्णिम, वो भी देखा है हम लोगों ने इतिहास इसका, कि यूपी पुलिस के बारे में कहा जाता था कि सबसे अच्छी पुलिस की अगर कहीं परिकल्पना की जाती थी यूपी पुलिस थी, लेकिन पिछले 15-20 साल में इतना सिस्टम डिटेरिएट हुआ है, तो इन कमियों को कहीं ना कहीं देखते हुए दूर करने का प्रयास सरकार को भी करना है, पुलिस महकमे को। बात है ना कि आप कह रहे हैं कि आपने देखा हुआ है, हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, हमें लगता है कि यूपी पुलिस स्मार्ट पुलिस रहे, फिट एंड फाइन पुलिस रहे, और जिस तरीके से जाति का जाल है, मेरिट ने बैक स्टेप लिया है, इस पर कोई समझे, और अगर कोई भी ऑटोनॉमस बॉडी बना लीजिए, उम्मीद है कि वो तोता बनकर ना रह जाए। आप बहुत सम्मानित अतिथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूपी पुलिस स्मार्ट पुलिस हम सोच रहे हैं, और खाकी के ये दाग, ये जो विशेष पेशकश हम चला रहे हैं, क्योंकि रियलिटी यही है, और हम उम्मीद करते हैं कि स्थिति सुधरे, बेहतर हो, क्योंकि कोई कह रहा है अच्छे दिन आने वाले हैं, कोई कह रहा है कि हमारे राज में माताएं बहनें महफूज हैं। कोशिश है कि जो बयान है वो सच साबित हो जाए। इस विशेष पेशकश में बस इतना ही।